बजरो राम राम। नमस्कार, रात के करीब 9 बज गए और आज हम आ गए वार्ड नंबर 22। 22 में राजगढ़ बिजौली अच्छा खासो वार्ड है, अच्छी खासी वोटिंग है। जब वार्ड में आई अनुसूचित सीट तो जाके नाते अनेक प्रत्याशी दावेदारी झोंक रहे। तो ऐसे ही रात के अंदर हमारे बीच में दुष्यंत श्रीवास हमारे सामने मौजूद है। ये भी पार्षद की तैयारी में जुटे हुए हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, गली गली मोहल्ला मोहल्ला में अपने वार्ड में घूम रहे हैं, आशीर्वाद ले गए कि लोगों से कैसे दिल जीत पाए। शुरू से तो जीत रहे, अब इनको प्रयास है कि कछु दिन रहेगा से सीट भी आ गई। बाकायदा लोगों के बीच में जा रहा है, बूढ़े बुजुर्गों के आशीर्वाद ले रहा है और उनसे जाना है दुष्यंत जी से कि आखिरकार कब से मेहनत कर रहा है, आखिरकार जब सीट आ गई कहा इनको प्लान है, कौन से मुद्दे से चुनाव लड़ रहा है। दुष्यंत जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामना की आपकी सीट आ गई। जय राम राम, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसी ठंड में हमारे पास आए। और हमारा उद्देश्य यही है, बचपन से हैं खेले कूदे बूढ़े बुजुर्ग के पास और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हीं के समर्थक से हम आगे आएंगे ये चुनाव प्रक्रिया में। इससे पहले तो समाज सेवा ही में लगे थे और आने वाले समय में जितना हो सके समाज सेवा ही करना हैगा। जो जो आदमियों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को जितना हो सके बढ़ चढ़ के समाधान के लिए प्रयास करेंगे और जो भी आने वाली समस्या है उसको निष्फिक्र होके बिल्कुल जनता के साथ समस्याओं का समाधान करेंगे। दुष्यंत जी, अभी तक लोगों के बीच में का रूप में सेवा दी, कछु दुख सुख में आए? हाँ, हम हमेशा आदमियों के साथ दुख सुख में हमेशा खड़े हुए रहेंगे, जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी हमेशा साथ रहेंगे और जो बन सका अपने आप हमसे वो हमने निस्वार्थ किया है। दुष्यंत जी, इतनी लेट का दिखे तुम मैदान में, चूंकि बिलाद दिना से लोग तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत लेट दिखे। ऐसा है, हमारा तो विचार नहीं था चुनाव में आने का, पर जो गांव का माहौल है और गांव के जो लोग हैं बूढ़े पुराने, उन्होंने आगे हमें बढ़ाया और उनके ही आशीर्वाद से हम मैदान में आए। मेहनत तो बहुत करना पड़ा था, राजगढ़ भी लगा, बिजौली लगा, तो कैसे का दुनिया में सफर कर लेते? अब मेहनत तो है ही, बिना मेहनत के तो कुछ है नहीं। जैसे कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ नहीं दूध पिलाती है, तो उसी प्रकार से हर समय उसमें मेहनत ही आगे है। कितने घंटा राजगढ़ में, कितने घंटा बिजौली दे? राजगढ़ में सुबह शाम निकल जाती है और ज्यादातर कोशिश करते हैं कि जितना समय राजगढ़ में दें उतना ही समय बिजौली में दें और घर घर जाके आदमियों की समस्या सुन रहे हैं और उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। अगर उन लोगों ने हमें आगे बढ़ाया तो उनकी समस्याओं का बिल्कुल समाधान किया। युवाओं के प्रति कैसों का भोकाल है तुम्हारे प्रति? युवाओं का प्रति बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि साथ में खेले बैठे उठे, क्योंकि प्रॉपर बिजौली के रहने वाले हैं तो सब दोस्त तैयार रहेंगे, सबका समर्थक है और सब लोग बढ़ चढ़ के आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, कौन पार्टी से ताल्लुक रखा था? निर्दलीय ठोकरा ताल? अभी तो ऐसा नहीं है, पर बस प्रयास चल रहा है कि अगर बीजेपी से हो सकता है उम्मीदवार बन जाए, प्रयास में लगेंगे। हमारे बीच में इनके शुभचिंतक है, इनसे भी जान ले इनको का के वो इनके संग में घूम रहे भज्जा का नाव अवधेश कुशवाहा जी, कैसी कल लहर दिख रही है इनकी? बढ़िया है, बढ़िया चल रही है। लोगों की मदद करते हैं, समय समय पर कोई बुला दे, अभी फोन कर दे, अभी आ जाते समय। अब अच्छा, का क्या बोल तुम्हारा का नाव तो बता दो यार। प्रशांत साहू का क्या बताओ इनके बारे में? बढ़िया है भाई, हमारे लाने तो आदमी और संयोग पूरा है। अच्छा, तो कितने मेहनत कर रहे तुम? बहुत मांग कर रहे, राजगढ़ में तो हम ही लगे हैं। राजगढ़ में तुम लगे, अनुज सपोर्टर तो होगी पाओगे? जनता से हाथ जोड़ के यही विनती है कि कार्य तो अभी नहीं है, मतलब आने वाले समय में ही दिखेगा कि हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। बाकी तो समाज सेवा में जो बना वो किया आएगा और जो भी है सब पब्लिक के ही ऊपर है, अगर पब्लिक चाहेगी तो अपने आगे बढ़ाएगी। ठीक, जो बता दें आपको, जीते दुष्यंत सिंह।